दोस्तों यहाँ पर योगी जी अपने हेलीकॉप्टर से सर्किट हाउस में उतर रहे हैं। आपको मैं लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ और यहाँ पर देखिए उनका जो काफिला है, उनका काफिला अब आना शुरू हो गया है सर्किट हाउस में से। वो आगे के रास्ते से घूम कर आया है और काफ़ी गाड़ियाँ हैं इनके काफिले में, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं स्क्रीन पर वीडियो लगा कर आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि योगी जी का जो ये काफिला है और इसके अतिरिक्त जो भी यहाँ पर ये समारोह होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है, उसका पूरा ब्लॉग वीडियो में इसमें दिखाया हूँ, बनाया हूँ। और यहाँ पर देखिए अंदर का सीन है, बस आपको यहाँ पे शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। अभी पूरा ब्लॉग मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि बाहर से कितना बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था की गई है और अंदर से कितना बढ़िया व्यवस्था हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों आज योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो गोरखपुर में आए हुए हैं और उनके साथ है सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी आज योगी आदित्यनाथ महाराज जी के साथ दिग्विजयनाथ पार्क में जो दिग्विजयनाथ की प्रतिमा है उसका उद्घाटन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी का ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम यूनिवर्सिटी गेट के सामने उपस्थित हैं और यहाँ से हम चलेंगे और आपको उन्हीं रूटों के रास्ते ले चलेंगे जिनके रास्ते से योगी आदित्यनाथ महाराज जी का काफिला जाएगा। और मैं इस वीडियो में आपको योगी आदित्यनाथ महाराज जी और जो यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका पूरा काफिला का ब्लॉग वीडियो दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि दिग्विजयनाथ पार्क कहाँ पर है और वहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है। दोस्तों आपको तो पता है कि नौका बिहार के अपोजिट साइड में जो दिग्विजयनाथ पार्क है वहीं पर इसका उद्घाटन होना है। तो आज की इस वीडियो में इसी का ब्लॉग पूरा दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में आप लोग पूरा एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आपको उनके काफिले को भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की गोरखपुर और अन्य जगहों की नई नई ब्लॉग वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अभी हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी से आगे अब बढ़ रहे हैं और अब हम चलेंगे दिग्विजयनाथ पार्क और वहाँ का माहौल आपको दिखाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, पहले योगी आदित्यनाथ महाराज जी इसी रूट से होकर जाने वाले थे, लेकिन फिर ये हुआ कि जितने भी आमजन लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, यानी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग देखिए पुलिस बल पहले से यहाँ तैनात कर दी गई थी, लेकिन अब वो अपने हेलीकॉप्टर से खुद सर्किट हाउस में आएंगे और दिग्विजयनाथ पार्क जाएंगे। यहाँ पर देखिए अभी हम पहुँच चुके हैं पैडलेगंज और पैडलेगंज से अब हम सीधे गौतम बुद्ध द्वार के रास्ते चलेंगे नौका विहार होते हुए दिग्विजयनाथ पार्क। तो इस ब्लॉग वीडियो में आप लोग पूरा लाइव बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैंने योगी जी के हेलीकॉप्टर से जब वो उतरे हैं उनका जो हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर है, उनका जो काफिला है, आपको सब कुछ दिखाया हूँ। यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध द्वार है और आपको यहाँ से सीधे जाना है पूरा नौकायान तक, जहाँ पे नौका विहार है उसी के जस्ट अपोजिट साइड में वहाँ पर दिग्विजयनाथ पार्क है, उसी में आज यहाँ पर प्रतिमा का उद्घाटन होने वाला है, अनावरण होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा सीन यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा, ब्लॉग वीडियो बनाकर दिखाऊंगा और कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने शहर गोरखपुर में जो पधार रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो ये लोग किनारे रुके हुए हैं वो उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि कब महाराज जी आएँ और उनकी जो उनका है दर्शन हो जाए। आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितने लोग यहाँ किनारे रुके हुए हैं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। देखिए मेन गेट यही है, इसी रास्ते से योगी आदित्यनाथ महाराज जी अंदर जाएंगे। फिलहाल हम बाइक अपना पहले स्टैंड में लगा लेते हैं और ये देखिए पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है और सभी लोगों को किनारे से हटाया जा रहा है। आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ उसी रास्ते से जाएंगे, अभी वहाँ पर भी चल के आपको हम सब कुछ दिखाएंगे। ये देखिए जो भी PSC बल है उसको यहाँ पर पूरा फोर्स बुला लिया गया है और तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर SDRF की टीम भी मौजूद है अपनी गाड़ियों को लेकर, अपने लोगों को लेकर पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर टाइट कर दिया गया है। आपको बता दें करीब PSC की यहाँ पर 18 गाड़ियाँ आई हुई हैं, जिसमें पूरा फुल यहाँ पर PSC बल तैनात कर दिया गया है और काफ़ी मजबूत व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मैं आपको पूरा ब्लॉग यहाँ पर दिखाने वाला हूँ योगी आदित्यनाथ महाराज जी के काफिले का और वो जो उद्घाटन करने जा रहे हैं उसका भी आपको हम सब कुछ दिखाएंगे।
यहाँ पर देखिए अब हम यू टर्न ले लिए हैं और ये सबसे पहला गेट है जहाँ स्टैंड लगता है। यहाँ पर भी पुलिस बल तैनात है, बाकी आम जन को जाने की एंट्री दी जा रही है और नगर निगम के द्वारा कुछ लोगों को बुलाया गया है जो इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी नाथ आदित्य महाराज जी जो पधार रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है यहाँ पर। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा यहाँ पे ये जो तंबू है वो लगाया गया है ताकि कई हजार लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकें, किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत ना हो। तो अभी आपको हम पूरी भीड़ का नज़ारा दिखाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर लगी है और यहाँ का माहौल क्या है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी और धर्मेंद्र प्रधान जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनका आज यहां पर आगमन हो रहा है और योगी आदित्यनाथ महाराज जी इसी गेट के रास्ते अंदर जाएंगे। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो भी नौका बिहार के किनारे चाय वगैरह की दुकानें लग रही थी उन दुकानों को अभी बंद करवा दिया गया है, हटा दिया गया है। यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था टाइट कर दी गई है और यहाँ पर जितनी भी टू व्हीलर्स गाड़ियां आ रही हैं उनको यहां पर पार्किंग में जमा करवाया जा रहा है। और देखिए यहां पर पुलिस बल की तैनाती हो चुकी है और काफ़ी सुरक्षा का यहां पर ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार का यहां पर लापरवाही ना हो। आपको मैं यहां पर पूरा ब्लॉग इसका बनाकर दिखा रहा हूं कि किस प्रकार का यहां पर व्यवस्था किया गया है, क्या माहौल है। तो आप लोग देखिए यहां पर कि कितनी कड़ी व्यवस्था है और कितनी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो रही है धीरे धीरे। और यहां पर अगर आपको अंदर एंट्री लेना है तो आपको अभी लाइन लगाना पड़ रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये लोग लाइन में लगे हुए हैं अंदर जाने के लिए। अगर आपको भी अंदर जाना है तो यहाँ से लाइन लगाकर आराम से जा सकते थे, बट अभी तो कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और ये वीडियो आपको मैं पूरा फुल वहीं का बनाकर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो औरतें हैं यहाँ से औरतों का एंट्री था, उधर से जेंट्स लोगों का एंट्री था, मतलब औरतें और जेंट्स अलग अलग रास्ते से यहाँ पर एंट्री कर रहे थे। और यहाँ पर सुलभ शौचालय से लेकर पेयजल सबकी व्यवस्था की गई है। ये देखिए महंत दिग्विजय नाथ पार्क, इसी गेट के रास्ते योगी आदित्यनाथ महाराज जी एंट्री करेंगे और इसके जस्ट बगल में जो सर्किट हाउस है वो है। योगी नाथ आदित्य महाराज जी इसी रास्ते से आएंगे और 20 यहाँ से कट के अंदर जाएंगे। उनका काफिला वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग इस ब्लॉग वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइज यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो इंस्पेक्टर लोग हैं यहाँ पर, जो भी सिटी पुलिस है वो किस प्रकार से व्यवस्था कर रही है। अब गाड़ियों का यहाँ पर रूट जो है वो डाइवर्जन किया जा रहा है, पहले उस रूट को खोल दिया गया था लेकिन अब बंद कर दिया गया। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी का हेलीकॉप्टर सर्किट हाउस में उतर रहा है। जी हाँ, हम लोग थोड़ा दूर खड़े थे क्योंकि हम लोगों को उनके काफिले का वीडियो चाहिए था और वहाँ सर्किट हाउस के करीब हम लोग नहीं थे। अभी देखिए करीब 1:53 हो रहा है और योगी आदित्यनाथ महाराज जी का हेलीकॉप्टर जो है सर्किट हाउस पहुँच गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अब योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो है वो सर्किट हाउस में आ चुके हैं और वो अब वहाँ से 3 बजे यहाँ पर आगमन करेंगे, मतलब 3 बजे यहाँ पर आएंगे, 1 घंटा वो सर्किट हाउस में ही रुकेंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे। आप लोग देखिए यहाँ का माहौल क्या है, लगातार भीड़ बढ़ रही है, काफ़ी भीड़ हो चुकी है। अंदर पूरा मैदान जो है खचाखच भरा हुआ है और जितने भी योगी समर्थक हैं, वाजपेयी लोग हैं, जितने भी योगी जी के चाहने वाले लोग हैं उनका भीड़ लगातार बढ़ रहा है और सभी लोग अंदर जा रहे हैं, गेट के रास्ते वो प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर किनारे पर सभी लोगों के वाहनों को मतलब खड़े करने की अनुमति नहीं है, सिर्फ प्रेस वाले नेता लोग यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी लोग यहाँ पर रुक कर वेट कर रहे हैं ये सभी लोग योगी जी का एक झलक देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि क्योंकि वो इसी गेट के रास्ते एंट्री करेंगे। आपको मैं यहाँ पर सब कुछ ब्लॉग वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ आपके सामने। अब देखिए योगी जी का जो काफिला है वो यहाँ पर आने लगा। जी हाँ गाइज, योगी जी का काफिला अब आ रहा है। तो आप लोग पूरा लास्ट तक इसमें बने रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि उनके काफिले में कितनी गाड़ियां हैं और ज़बरदस्त की भीड़ लगी हुई है। देखिए सभी समर्थक उनको देखने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। बस 3 गाड़ियां आगे गई हैं और उसके बाद अब योगी जी का काफिला जो है वो एंट्री करने वाला है।
तो इस ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। देखिए उनकी गाड़ी जो है वो आ रही है और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता जो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं वो भी उस रोड से आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर योगी जी का काफिला आ चुका है गाइस, यहाँ पर योगी जी का काफिला आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। वीडियो में दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से उनका काफिला आ रहा है, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं उनके काफिले में। तो देखिए यहाँ पर दूसरी गाड़ी गई, अब यहाँ पर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि किस गाड़ी में वो यहाँ पर हैं, अभी आपको इन सभी गाड़ियों में नहीं मिलेंगे, इसमें भी वो नहीं है, अभी वो पीछे वाली गाड़ी में है जहाँ से सभी समर्थकों को देख के वो खुश होते हैं और हाथ हिलाते हैं। देखिए वहाँ पर एंट्री कर गए योगी आदित्यनाथ महाराज जी, वहाँ पर जो एम्बुलेंस के आगे वाली गाड़ी थी उसी में एंट्री किए हैं और हाथ हिलाते हुए गए हैं सभी समर्थकों का, यहाँ पर धन्यवाद वो किए हैं। यहाँ पर देखिए अब गाड़ियाँ आगे लग गई हैं, सभी गाड़ियाँ यहीं पर रुक गई हैं, अभी पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, अब ये यहाँ पर व्यवस्थित किसी प्रकार से कराई जाएंगी। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग योगी आदित्यनाथ महाराज जी का काफिला अंदर चला गया। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ दो गाड़ियाँ अंदर गई हैं, बाकी की गाड़ियाँ यहाँ पर बाहर ही रोक दी गई हैं, क्योंकि योगी नाथ आदित्य महाराज जी जो हैं उसी गाड़ी में वहाँ पर हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ लग गई है योगी आदित्यनाथ महाराज जी को देखने के लिए। अब चलिए हम आपको अंदर चल के वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कि अंदर किस प्रकार से व्यवस्था की गई है और कितनी भीड़ वहाँ पर लगी है। गाइज अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पर जूम करके दिखा दें, देखिए योगी आदित्यनाथ महाराज जी वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर जो गेरुआ कलर में पहने हुए हैं भगवा कलर, वो योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। अब वो यहाँ पर सीधे स्टेज पे जाएंगे और वहाँ पे दिग्विजय नाथ महाराज जी के मूर्ति का उद्घाटन करेंगे, उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान जी भी उपस्थित हैं। अब चलिए यहाँ से हम चलते हैं अंदर और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए सब भाजपा समर्थक हैं जो यहाँ पर चिल्लाते हुए अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए अब हमने भी यहाँ पर अंदर एंट्री कर लिया है और यहाँ पर देखिए पानी की और मीठे की व्यवस्था की गई है, यहाँ से लोग पानी वगैरह लेकर पी रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कितना पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और काफ़ी लंबी व्यवस्था यहाँ पर की गई है बैठने के लिए कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर बैठ सके। अब मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। देखिए यहाँ पर महिलाएं अलग बैठी हैं और जितने भी जेंट्स हैं वो अलग बैठे हैं। और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा दूँ जो जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, देखिए वहाँ पर लोग नीचे बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो सांसद हैं गोरखपुर के, रवि किशन जी, और गोरखपुर के मेयर भी और धर्मेंद्र प्रधान जी भी वहां पर उपस्थित हैं और सबका स्वागत अभी वहां पर किया जा रहा है। आपको मैं अंदर का पूरा सीन यहां पे दिखा दे रहा हूं कि कितनी ज़बरदस्त यहां पर भीड़ है और किस प्रकार से यहां पर व्यवस्था की गई है। आप यहां पर वीडियो के माध्यम से सब कुछ देख पा रहे होंगे आसानी से। मैं आपको चारों तरफ का वीडियो यहाँ पर ब्लॉग वीडियो जो है वो बनाकर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर क्या माहौल है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लगातार जो है वो उन लोगों का स्वागत किया जा रहा है। मानक स्थापित कर
देखिए के द्वारा सम्मान और अभिनंदन करता हूँ। गोरखपुर के प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह उच्च कुलपत वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर और हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी का अभिनंदन और स्वागत, माननीय फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक का स्वागत और अभिनंदन उत्तरी और द्वारा। तो गाइज यहां पर आप लोगों को मैंने पूरा अंदर का भी ब्लॉग वीडियो और बाहर का भी ब्लॉग वीडियो बनाकर दिखा दिया हूं। अब यहां से हम चलते हैं बाहर और अब वहां थोड़ा बाहर का माहौल क्या है वो दिखाते हुए मैं निकलूंगा। अब देखिए यहां पर मैं बाहर निकल चुका हूं और बाहर की भीड़ यहां पर धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, लेकिन कुछ लोग उसमें से भी बाहर निकलकर अपने घरों को जाने लगे हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी देर से बैठे हुए थे और यहाँ पर भीड़ अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा टोटल यहाँ पर ब्लॉग वीडियो बनाकर दिखा दिया हूँ कि यहाँ का माहौल क्या है, उनका काफिला कितना बड़ा है। देखिए सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रोक दी गई हैं। जब ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा तो धर्मेंद्र प्रधान जी सर्किट हाउस से ही लखनऊ चले जाएंगे और जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं वो एक रात गोरखनाथ मंदिर में रुकेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा ब्लॉग यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है और योगी जी का जो काफिला था वो काफ़ी लंबा था, लेकिन गाड़ियाँ रोड पे ही रुक गई थी। मैं आपको पूरा क्लियर अंदर चल के भी दिखाया हूँ कितनी भीड़ है वहाँ पर और क्या वहाँ का माहौल है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने घर को और आज की इस ब्लॉग वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।